हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थियरी पढ़ाई थी कि हमें किसका प्रैक्टिकल करना है, तो KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमारे जो भी ऑपरेटर्स है, राइट, हम लोग यहाँ पे कौन से ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ब्यूरेट यूज करेंगे, पिपेट यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे एंड कॉनिकल फ्लास्क, राइट। तो हमें वो सब ऑपरेटर्स को पहले वाटर से वॉश करना है, राइट। मैंने यहाँ पे हमारे सब इंस्ट्रूमेंट को, सब ऑपरेटर्स को वाटर से वॉश कर दिया है, राइट। देन अब हमें क्या करना है कि हमें सॉल्यूशन फिलअप करना है, तो ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4, राइट। तो KMnO4 के सॉल्यूशन को हमें कहाँ पे फिल करना है, तो कि इनप्यूरेट, राइट। और जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है उसे हमें किस में लेना है, तो कि हमारी पिपेट में लेना है, राइट। देन ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को 10 ml हमें पिपेट से शक करना है, उसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, राइट। उसके बाद 1 टेस्ट ट्यूब उसमें H2SO4 ऐड करना है, राइट। एंड देन H2SO4 ऐड करने के बाद हमें उसको हीट करना है, ओके, 50 to 60 degree। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो कि जो हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है, जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, राइट, वो सॉल्यूशन को हम लोग हमारी प्यूरेट में फिल करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों की जो ब्यूरेट है, राइट, वो ब्यूरेट में यहाँ पे ऐसा होगा, सी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये एयर बबल है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि थोड़ा सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर ऐड करना है, देन उसको जो पिंच कॉक है उसको प्रेस करना है। तो अगर हम लोग उसको प्रेस करेंगे फास्ट, तो वो जो एयर बबल थी वो एयर बबल निकल जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सी यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा फिलअप हो गया। Then, अब हमें क्या सेट करना है, यहाँ पे हमारे ब्यूरेट में 0 सेट करना है। Then, ये सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आपके कॉनिक ये जो फनेल है वो फनेल को ऊपर से हटा देना है, राइट, और हमें 0 सेट करना है, राइट। यहाँ पे हमने 0 सेट कर दिया। आप लोगों ने 11th में भी सीखा होगा कि कैसे हम लोग 0 सेट करते हैं, राइट। लेकिन इन 11th स्टैंडर्ड वी यूज एसिड बेस, राइट, हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते थे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में वो जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस था, राइट, एंड उस वजह से हम लोग जब 0 सेट करते थे ना, तो उसमें कर्व लेते थे, राइट। बट यहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 का सॉल्यूशन कलरफुल है, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को क्या 0 मेंटेन करना है, 0 सेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन देखनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए आपको ये जो 0 है, राइट, 0 को हमें कहाँ पे रखना है, तो कि हमारे आई के एग्जिट सामने, राइट, हमें उसको एग्जिट सामने रखना है, राइट। अगर आपकी हाइट कम है तो उसको, ये जो हमारी ब्यूरेट है उसको नीचे कर दो, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो इसको यहाँ से ऊपर कर दो, राइट। मैंने ये ब्यूरेट अपनी हाइट के हिसाब से सेट की है, राइट। देन मैंने 0 सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिपेट लेनी है जिसको मैंने ऑलरेडी वाटर से वॉश कर दिया है, राइट। उसके बाद हमें क्या लेना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है, राइट। ये कॉनिकल फ्लास्क को भी मैंने वाटर से कम्प्लीटली वॉश कर दिया है, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है उसको हमें 10 ml शक करना है, राइट। जब भी आप लोग सॉल्यूशन लो उस टाइम पे उसको स्टर कर देना है, राइट। आप लोगों ने पिपेट पहले भी यूज की हुई है, राइट, तो पिपेट में एक यहाँ पे एक एयर, ये ऐसे लाइन मार्क की हुई है, राइट, तो ये लाइन तक हमें सॉल्यूशन लेना है। अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट, तो इसको लेके आपको घूमना नहीं है, सी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, इसको लेके आपको घूमना नहीं है, वरना आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तुरंत इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना, राइट। मैं ऐसे 2 कॉनिकल फ्लास्क रेडी करूंगी, राइट, वाई, बिकॉज हमको उसको हीट करना है, राइट। तो पहले एक कॉनिकल फ्लास्क को हीट करेंगे, देन उसके बाद दूसरे कॉनिकल फ्लास्क को तुरंत हीट करने के लिए रख देंगे, ओके।
दोनों कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, राइट। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, H2SO4, राइट। जो H2SO4 का सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया है, राइट, वो H2SO4 का सॉल्यूशन हम लोग उसमें 1 टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे, राइट। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें मैंने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था, उसमें मैं ये 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड कर दूंगी, राइट। यहाँ पे मैंने 2 कॉनिकल फ्लास्क रेडी किए, राइट, तो मैं दोनों में 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड कर दूंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन हम लोगों ने मिक्स किया ऑक्सैलिक एसिड में, अब ये कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग रखेंगे हीट करने के लिए, ओके। देखो यहाँ पे मैंने बर्नर स्टार्ट कर दिया है, राइट। अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया था, वो कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ पे हम लोग हीट करने के लिए रख देंगे ऐसे, राइट। हमको इसे हीट करना है 50 to 60 degrees तक, राइट। ये 50 to 60 degrees हीट हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसे कंटिन्यू करना है, राइट। यहाँ पे मैंने 2 फ्लास्क रेडी किए हुए हैं, ये जो मैंने हीट करने के लिए रखा है और ये सेकंड फ्लास्क है, राइट। जैसे मैं ये फ्लास्क प्रैक्टिकल के लिए ले लूंगी, उसके बाद हम लोग ये सेकंड फ्लास्क है उसको मैं हीट करने के लिए रख दूंगी, राइट। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाए तो हम लोग दूसरे कॉनिकल फ्लास्क से हमारा प्रैक्टिकल कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो ये हीट हो रहा है अभी, ओके, सॉल्यूशन हीट हो गया है, राइट। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे स्लोली स्लोली। 1 ml हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, राइट। इस टाइम पे आपका पूरा ध्यान ब्यूरेट पे होना चाहिए, राइट। 1 ml हमें ऐड करना है, देन उसके बाद इसको स्टर करो। यहाँ पे मैंने नीचे व्हाइट कागज व्हाइट पेज रखा है, राइट, जिसे हम लोगों को कलर सॉल्यूशन पता चले। वैसे तो हमें पोर्सेलिन टाइल्स रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, यहाँ पे मैंने 5 ml तक ऐड कर दिया है, ये मैंने 6 ml भी ऐड कर दिया, देन 7 ml ऐड कर दिया, 8 ml ऐड कर दिया, राइट। अगर ये कलर आपका नहीं जाएगा तो हमारा रीडिंग 8 तक हमें मिल जाएगा, राइट। इसको प्रॉपर वे से शक करो, राइट, स्टार करो। सी, ये हमारा कलर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा रीडिंग 7 to 8 के बीच में आ जाएगा, राइट। सी, यहाँ पे देखो, राइट, ये जो है रीडिंग हमारा, ये 8 है, राइट, और ये 9, ये 7। मतलब अब हमें क्या करना है कि 0 से लेके धीरे धीरे 7 तक ले आना है, और उसके बाद ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमें सॉल्यूशन ऐड करना है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, फिर से हमें ये 0 सेट करना पड़ेगा, राइट। चलो, मैंने फिर से 0 सेट कर दिया। फिर मैंने 2 बीकर रखे थे हीट करने के लिए, ये हमारा सेकंड बीकर है, राइट। तो कंटिन्यू करें प्रैक्टिकल जैसे हम लोगों ने पहले किया। फर्स्ट 1 ml ऐड करो, कहा तक 5 ml ऐड करें तब तक, राइट। इसको ऐसे कॉन्स्टेंट स्टर करना पड़ेगा, राइट, तो ही ये कलर डिसअपीयर होगा।
देखो धीरे धीरे ये हमारा कलर जा रहा है ना। मैंने अभी 7 ml तक इसे ऐड कर दिया है, राइट। अब 7 ml आ गया, अब मैं उसको ड्रॉप वाइज ऐड करूंगी, राइट। देखो 1 ड्रॉप ऐड किया, 2nd ड्रॉप, 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप, ड्रॉप वाइज ही ऐड करना है, राइट। तो ही हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। अब इसे स्टर करो तो ये पिंक कलर नहीं जाएगा, राइट। अगर ये पिंक कलर ऐसे का ऐसा रहा, मतलब कि हमारा रेडिंग आ गया। सी, मतलब ये कलर वैसे का वैसा ही रहा, मतलब कि ये हमारा रेडिंग आया 7.9, राइट। मतलब कि ये 7.9 हमारा ब्यूरेट रेडिंग आया, राइट। अब आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल फिर से, राइट, 2 से 3 बार करना है। और उसके उस टाइम पे हमें हमारा ये जो रीडिंग है वो रीडिंग मेजर करना है, राइट। अगर ये रीडिंग हमें मिल जाएंगे 2 से 3 रीडिंग, राइट, उसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज लेना है और वो एवरेज को लेके हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, देखो ये हमारा रीडिंग 7.9, राइट, यहाँ पे सी ये हमारा एरो है 9.9, तो 7.9 और ये 8 हमारा क्या था, लास्ट रीडिंग था, राइट, पायलट रीडिंग बोलते हैं उसे। ओके, थैंक यू।